नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि यश में 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिए हैं संकेत, अब आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ इन देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव होंगे, कई बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी और कई बड़े शुभ समाचारों की भी आपके जीवन में प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको यश में क्या करना है, कौन सी चीज़ों को लेकर सावधान रहना है, इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब भी किसी आदमी को खुशियों की प्राप्ति होती है, जब भी भगवान किसी को अपना आशीर्वाद देते हैं, तो दोस्तों वश में आपको घमंड नहीं करना चाहिए, वश में आपको कई प्रकार के चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यश में आपको कैसा रहना है, कौन से कार्य को करना है और कौन से चीज़ों को लेकर सावधान रहना है, ताकि दोस्तों आप यश में इन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने में भी कामयाब रहे और इनकी आशीर्वाद और इनकी कृपा आपके जीवन में सदैव बढ़ती रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी देंगे, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी, ग्रह गोचर पर निर्मित है, तो वीडियो को मिस ना करें और अंत तक देखें। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, परंतु सभी की खुशी के आगे यह खर्चा जो है नगण्य रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए यश में फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थी व फिर युवा वर्ग यश में अपनी पढ़ाई व फिर करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में अपने बजट का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी अवश्य निकालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे दोस्तों अपने संपर्क सूत्र और अधिक मजबूत आप कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना आपके लिए जरूरी होगा। कभी कभी अहम की वजह से काम आपका खराब हो सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आप पर भावनाओं का प्रभाव अधिक रहेगा, जिसकी वजह से आपको जो है इंश्योर महसूस हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों के द्वारा आपको भावनाओं तक सुरक्षा महसूस होती है, उनके साथ अधिक वक्त बिताएं। आपके द्वारा रखी बातों को किसी के द्वारा नकार मिलना आपके लिए दुख का कारण भी हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बच्चों की पढ़ाई और फिर करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत दोनों आपको प्राप्त होगा। किसी परिजन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से भी मन बहुत प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी किसी कमजोरी पर भी विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और कामयाबी भी यश में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आर्थिक रूप से समय कुछ उतना उत्तम नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, फिर भी दोस्तों किसी भी प्रकार के निवेश या फिर लेन देन करने से आपको उनसे बचना चाहिए। कोई भी भावनात्मक रूप से आपको बेवकूफ बना सकता है, तो दोस्तों इसलिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। भूमि या फिर वाहन संबंधी लेन देन करते समय या फिर लोन लेने से पहले आपको बता दें किसी की सलाह ले लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यात्रा संबंधित निर्णय आपके बदल सकते हैं। दोस्तों, यश में आपको बता दें कि किसी महत्वपूर्ण काम संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो कि आगे के लिए आपके बहुत ही लाभदायक और सहायक साबित होगा। दोस्तों, आपके द्वारा मेहनत का फल यश में आपको प्राप्त होगा। यदि आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों किसी के साथ चर्चा करके ही निर्णय करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। दोस्तों, प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सफलता भी प्राप्त होगी। और साथ ही दोस्तों पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई मतभेद भी सुलझाने से आपसे संबंध भी यश में मधुर हो जाएंगे। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग भी आपके सेवा भाव से प्रसन्न रहेंगे, तो दोस्तों यश में उन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में कभी कभी परिवार को लेकर मन में असुरक्षा जैसी भावना आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में यह सिर्फ आपका वहम होगा। खर्चों की अधिकता परेशान आपको कर सकता है। दोस्तों, वाहन चलाते समय आपको मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनसे आपका नुकसान हो सकता है।
और इसको प्यार दोस्तों यीशु मसीह आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि युवाओं का अधिक ध्यान पैसे कमाने पर रहेगा। यदि पारिवारिक व्यापार का हिस्सा है तो दोस्तों व्यापार संबंधी कोई भी निर्णय बड़े बुजुर्गों या फिर बुजुर्ग व्यक्ति से आप जरूर चर्चा कर लें, ये आपके आगे के लिए बेहतर होंगे। इसे दोस्तों आप गलतफहमियों से बच पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आपके लिए जैसे समय होंगे लंबे समय से चल रही किसी चिंता व फिर तनाव से इसमें आपको राहत मिलेगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी आप अधिक ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बनाने वाले हैं। दोस्तों किसी पुराने झगड़े के सुलझने से मानसिक तनाव भी आपका बेहतर होगा और मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको बता दें कि जल्दबाजी की वजह से कुछ स्थितियां बिगड़ सकती है। अपने व्यवहार को जो है सजग बनाकर रखें। भूमि संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद ना करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पाने की इच्छा में आप नुकसान अपना करवा सकते हैं। तो दोस्तों खासकर इसमें आपको भूमि को लेकर सावधान भी रहना चाहिए। इसको प्रांत दोस्तों इसमें अगर आपकी व्यापार को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों इसमें आपके व्यापार संबंधी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए समय उचित होगा। नए व्यावसायिक अनुबंध भी इसमें आपको प्राप्त होंगे, परंतु दोस्तों यह समय किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी में किसी कार्य को करने में दिक्कत भी आएंगी, सहयोगों की मदद आपकी परेशानियों को इसमें दूर करेगा। तो दोस्तों इसमें सहयोगों से मदद लेना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कामकाज में आपकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में कुछ कमी भी रहेगी। खुद को साबित करने के लिए संघर्ष और परिश्रम की ज़्यादा जरूरत होगी। तो दोस्तों इसमें इन पर ध्यान दें। मशीनरी व फिर स्टार्ट आदि से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएँ भी आएंगी, परंतु जल्दी ही यह हल भी हो जाएंगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में विस्तार के लिए कुछ नई योजनाएं पर विस्तार होगा। दोस्तों सेल टैक्स जीएसटी आदि से जुड़े कार्यों को जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों किसी बड़े अधिकारी या फिर राजनीतिज्ञ से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी दिनचर्या में बहुत अधिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय व्यवसाय में आंतरिक सुधार का या फिर स्थान में बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों दूरदराज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो है संपर्क स्थापित होंगे। ऑफिस का माहौल जो होगा इसमें राजनीति जैसी गतिविधियां हो सकती है। दोस्तों इसलिए इसमें आपको ऑफिस को लेकर सावधान रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसमें पति पत्नी के बीच किसी छोटी मोटी बात को लेकर जो है तकरार हो सकता है। अपने स्वभाव को सजग बनाकर रखें तथा किसी भी बात को जो है अधिक तुलना दें, ये आपके इसमें पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय आपके पति पत्नी के मध्य में चल रहे किसी बात बात का हल भी निकलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आप संयम रखने की आपको जरूरत होगी तथा घर का वातावरण भी इससे सुखद और मधुर बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने समय और कार्य को दोनों को नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम प्रसंग भी बने रहेंगे, परंतु दोस्तों ध्यान रखें कि इनका प्रभाव आपकी पढ़ाई व फिर करियर पर ना पड़े। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा आपसे मेल मिलाप या फिर आपको खुशी प्रदान करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में भी प्रगढ़ता समय आने वाली है, लेकिन यह समय आपको इनसे ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि आप मर्यादा को उल्लंघन ना करें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो दोस्तों यह समय खांसी जुकाम जैसी कोई इन्फेक्शन बढ़ सकती है। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि हार्ट डिजीज या फिर डायबिटीज जैसी परेशानियां के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी लोग इससे पहले पीड़ित हैं वह इसमें उचित सावधानी रखें, अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं तथा इनका उचित इलाज लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि वायु विकार तथा पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी। ज़्यादा गरिष्ठ व फिर तले भुने भोजन करने से परहेज करना, ये यश में आपके बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। साथ ही सिर दर्द माइग्रेन जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। अत्यधिक ठंड और थकान से अपना बचाव करें,
ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।